पानी नई गाड़ी ली ना वो मैं चलाने वाला हूँ, तो दिखाता हूँ कौन सी गाड़ी है। सुबह के बज गए 11:30 और अपने को निकलना है 3 बजे ट्रिप पे और बहुत लंबा सफ़र है, तो रात भर भी गाड़ी चलानी थी तो नींद पूरी कर रहा था, बट नींद पूरी नहीं हुई है क्योंकि मैंने वीडियो एडिट करते करते रात को लेट सोया हूँ, क्योंकि इंटरनेट नहीं मिलता तो बोलते ना अपलोड करने को टाइम लग जाता है। दिखते हैं रात को नींद आती है कि नहीं आती, बट फिलहाल अपने को फटफट रेडी होना है और निकलना है क्योंकि ट्रिप पर जाना है ना। इसके लिए अभी तो देखो सामान भी पैक नहीं किया है, तो सामान भी पैक करना है बहुत कुछ। फटफट नहा धो के रेडी हो जाता हूँ और ये सामान पैक कर लेता हूँ, फिर बाद में आपसे मिलता हूँ। सो रेडी हो चुका हूँ और अपना जो सामान था वो भी मैंने पैक कर चुका हूँ, तो अभी सीधा ब्रेकफास्ट करता हूँ, निकलता हूँ सीधा बाइक पे। ये देखो जितना भी अपना कैमरा गेयर था सब मैंने ये बैग में डाल दिया हुआ है। ये अपना थाई बैग है जो आ जाएगा, और ये अपना कपड़े का बैग है और छोटे मोटे गियर्स डाले हुए हैं। ये टूवल का प्रॉब्लम है जो गिल्ला हो गया है क्योंकि नहाने के बाद, तो ये जो कल थीली आई थी जॉकी में उसमें डाल दूंगा। हेलमेट तो अभी पहन लूंगा क्योंकि बाइक चलाने वाला हूँ, तो बाइक पार्क करूंगा ना तो साथ में डिक्की में रख दूंगा ये हेलमेट। पार्किंग वाली जगह पे आ गया हूँ जिसकी वजह से अभी मैं 6-7 दिन के बाद आऊँगा तो अपनी गाड़ी को कोई तकलीफ ना हो, तो यहाँ पे अच्छी तरह मैं पार्किंग लगा सकता हूँ। क्योंकि आजकल ना गाड़ियाँ बहुत चोरी हो रही है, तो बोलते ना भाई बड़ी मेहनत करके कमाई की थी और बाद में ये अपनी मनपसंद गाड़ी ली है तो भाई उसको कुछ होना नहीं चाहिए। इसके लिए अच्छी जगह पार्किंग कर ली है, बाइक मैंने पार्क कर ली है, तुरंत ही मुझे रिक्शा मिल गई, तो अभी जा रहा हूँ मैं अंधेरी। अंधेरी में अपना पिकअप पॉइंट है, वहाँ के बाद में कार उठानी है, और कार कौन सी है मैं बताता हूँ, क्योंकि नई गाड़ी है, ब्रांड न्यू, मतलब 2 दिन पहले की गाड़ी ली है, वो ड्राइव करने वाले और लंबा टूर पे जाने वाले 1000 किलोमीटर, तो कौन सी गाड़ी है वो भी दिखा हुआ। और फोर व्हीलर गाड़ी चलाने का मुझे बहुत शौक है, तो क्या मिलती है हम लोग अंधेरी में, गाड़ी नई गाड़ी ली ना वो मैं चलाने वाला हूँ, तो दिखाता हूँ कौन सी गाड़ी है। ये आ गई अपनी गाड़ी, सिनेमेटिक शॉट बाद में लूँगा, अभी तो क्या है सब लगेज फटफट डालना है, ये लगेज देखो ऐसे ही पड़ा है, फटफट डाल देंगे, और ये भीड़ भाड़ वाले एरिया में क्या रुक नहीं सकते ना, इसके लिए वो ऊपर का निकाल दे अभी थोड़ा। अगुश बाय बाय, मिलते हैं, व्लॉग देखते रहना। हां ओके ओके। गुना से जाएगी जी। हां कैसा लग रहा है ये सिटी में चला के गाड़ी? लग रहा है अच्छा, लग रहा है अच्छा लग रहा है ना, अभी हाईवे पे जाएगी तो और पता चलेगा कैसी है। हां बराबर, अभी तो तीसरा ही दिन हुआ है ना। हां आप तो पीछे बैठ के कैसा लग रहा है ये गाड़ी में? बहुत अच्छा लग रहा है। नई गाड़ी अच्छी है मतलब? हाँ, पैसा वसूल वसूल वसूल। अभी 1000 किलोमीटर और जाएगी तो और पता चलेगा पैसा वसूल है कि नहीं। कल सुबह पता चलेगा। 6 बज जाएगी ना सुबह पहुंचते पहुंचते। हाँ 6 बजे, वो भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा तो, ये तो 8 बजे गए ना। टाइम वेस्ट तो थोड़ा करना पड़ेगा ना, टॉयलेट बाथरूम खाना पड़ेगा, ऐसी अंगड़ाई लेना पड़ेगा बैठ बैठ के, पानी भी नहीं का। इधर ही गणपति बाप्पा ना, यहाँ पे परफेक्ट। बट ये लगाया गणपति बाप्पा ने लगाया था, अभी इसका मैंने स्टिकर निकाल दिया है गांव में सीधा, और बोल दे कौन सी गाइड यहाँ पे, परफेक्ट ना। देखा बैठने के बाद निकलेगा नहीं फिर थोड़ा सामने है। और बस हवा जाने के लिए थोड़ा पेट्रोल छोड़ के बाकी भरो। पेट्रोल है ना? पेट्रोल पावर का सादा 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 पेट्रोल फुल गारंटी, फुल में थोड़ा बाकी रखना। हाँ चलो 20% बाकी रखना, बाकी भर दो। तो अभी हम लोग ने ना टी ब्रेक लिया हुआ है, ऐसे तो मुझे चाय पीने की आदत नहीं है बट गुरु को चाय पीने की आदत है, तो पेट्रोल भराया 35 लीटर फुल भर दिया। तो अभी हम लोग बीच में कहीं पर रुकने की जरूरत है, सीधा हाईवे पे हाईवे चलने वाले, और अभी मैं गाड़ी चलाने वाला हूँ क्योंकि गुरु बोला अभी मैं थक गया हूँ तू चला। तो गाड़ी का लुक मैं दिखा देता हूँ, ये महिंद्रा कंपनी की XUV 300 गाड़ी, ब्लड रेड कलर है, और सिनेमेटिक शॉट यहाँ पे ले सकता हूँ तो मैं दिखाता हूँ।
से सिनेमेटिक शॉट ले सकता था वो दिखाया कि आजू बाजू में ज़्यादा स्पेस भी नहीं, तो दूर जा नहीं सकता। तो कमेंट में बताना ये सिनेमेटिक शॉट कैसा लगा। बाकी अभी टी ब्रेक लिए तो अभी मैं अंदर जाता हूँ, वो लोग कुछ खा रहे हैं, मुझे भूख नहीं है बट थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, क्योंकि बाद में ऐसा होएगा कि जब मुझे भूख लगी तो ये लोगों को भूख नहीं लगेगी, ये लोग ने तो खाना खा के बैठे रहेंगे। तो अंदर जाता हूँ, क्या सिचुएशन है देखता हूँ और खा लेता हूँ, और बाद में सीधा ड्राइविंग सीट पे मिलता हूँ कि गाड़ी मैं चलाने वाला हूँ। बाहर आए तो समोसा पाव ज़्यादा मिलता है तो समोसा पाव ही खाया, ये मिसल पाव या कुछ और खाने में का ट्राई किया और पेट गड़बड़ हो गया तो अपनी जो ट्रिप है उसके प्रॉब्लम हो जाएगी, तो भाई समोसा पाव ही खा लेते। क्या खरीदा? काजू क्या भाई, चखना लिया कुछ और कैमरा? अभी वो छोटा वाला रखा, अभी सॉरी बड़ा वाला कैमरा रख दिया, छोटा वाला निकाला, क्योंकि मैं ड्राइविंग करेगा तो बड़ा वाला कैमरा पकड़ नहीं सकता ना, ये छोटा वाला भी वो ऐसा पकड़ सकता है और तुरंत रख भी सकता है कुछ जरूरत पड़ा तो। ये गाड़ी चलाने वाला भी है, नई वाली चला लेता हूँ, बाद में मिलता हूँ और बताता हूँ कैसा रहा एक्सपीरियंस। ये गाड़ी चलाते वक्त तो बात नहीं कर सकता मैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी पहुंचे हम लोग सतारा, और सतारा में कामन होटल है, वहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए रुके, इंग्लिश में डिनर बोलते हैं। और यहाँ से काफ़ी दूर है कर्नाटक, जहाँ पे गुरु का गांव है और अच्छा खासा टूरिस्ट स्पॉट है, तो मैंने बोला चल तेरी गाड़ी में आ जाता हूँ और मुझे भी वहाँ पे देखने मिल जाएगा, तो उसने बोला ओके आ जा। तो ये अपॉर्चुनिटी का मैंने फ़ायदा उठाया, तो आप लोगों को ट्रैवल व्लॉग देखने मिलने वाला है कर्नाटक का, जहाँ पे मैंने पेट्रोल भरा था वहाँ पे हम लोग ने थोड़ा सा खाना खा लिया, जैसे मैंने समोसा पाव खाया था। वहाँ से लेके मैंने यहाँ तक 200 किलोमीटर गाड़ी मैंने खुद नहीं चलाई, गाड़ी बहुत अच्छी है बट नहीं है तो बोलते ना खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो सर्विस होने के बाद ज़्यादा अच्छी लगेगी। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, कम्फर्ट है, तो गुरु ने जो गाड़ी ली है वो वर्थ है। और प्राइस तो यार गूगल मार ही लेना पता चल जाएगा, क्योंकि नाम तो मैंने बताया कि कौन सी गाड़ी है महिंद्रा की। सोएगा नहीं ना अभी गाड़ी चलाते वक्त? नहीं, वरना बोलते ना खाना खाने के बाद नींद आएगी। अभी पता चलने वाला है कौन कौन सोने वाला गाड़ी में। जय गणपत पप्पा। और यार अभी यहाँ से कितना किलोमीटर दूर? अभी है 600। 600 किलोमीटर, फिकर मत कल सुबह तक पहुँचा देंगे। रास्ता भी अच्छा मिलेगा कैसा मिलेगा? अभी और दो घंटे बाकी, उसके बाद में रास्ता देखो। रात के अभी 1:30 बजे और ये हुबली का टोल नाका है, तो क्रॉस करने के बाद गाड़ी खड़ी की और मैं तो थोड़ी देर सो रहा था, बट गाड़ी में इतना नींद नहीं आता, बट बोलते ना आग की झपकी मार दी, बट अभी गुरु को नींद आ रही, तो उसने बोला अभी तू गाड़ी चलाएगा या आधा घंटे यहाँ पे रेस्ट करे। मैं बोला देख मैं ट्राई करता हूँ, अगर मैं गाड़ी चला लूंगा तो चला लेते, अदरवाइज नेक्स्ट टोल नाका पे हम लोग आधा घंटा रेस्ट करेंगे, वो तो अपडेट में दे दूंगा, बट अभी मैं गाड़ी चलाने वाला हूँ। और यहाँ पे भाई अभी वो कन्नड़ा लैंग्वेज में जो लिखते वही है, तो मुझे यहाँ का कुछ लिखा हुआ समझता नहीं, हो तो नसीब के इंग्लिश में लिखा है तो समझ में आ रहा है। क्या हुआ, वॉमिटिंग हो रहा है? मैंने कुछ किया, खाना बराबर नहीं था ना। हाँ रोटी भाजी ना, हाथ डाल के मैंने वाल नहीं, अच्छा किया, दकार तू खा रहा था, मैंने आवाज आ रही थी करके, मतलब इसलिए सिर दर्द पड़ रहा। ओ, ये उबली टोल नाका है ना, बेलगम टोल नाका, बेलगम है, उबली अभी आने वाले। अच्छा उबली अभी आएगा, अच्छा ये बेलगम टोल नाका है। ला चला तो पेट्रोल मम्मी लेकर नीचे ले लेने, पेट्रोल भरा देंगे। खाली हो गया? नहीं खाली तो नहीं, अभी है रिस्क नहीं लेने का अभी। हाँ ठीक है, अपनी उबली आ जाएगा, उबली का गाना एक टोल नाका आएगा, उबली का टोल नाका। अच्छा बाद में सिंगल वे आ जाएगा, सिंगल वे सिंगल हाईवे। हाँ हाँ मतलब जाना जाना एक ही आएगा, थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट लेगा ना, बाद में सिंगल वे पूरा, कभी वो जंगल का एरिया ना, तो पेट्रोल पंप नहीं मिला। ठीक है भरवा लेते। पेट्रोल पंप मिल गया तो भाई पेट्रोल भरा रहे 2000 रुपये का, और यहाँ ही बाद में हम लोग थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे। काफ़ी अच्छी नींद आ रही है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, ऐसे ही रात का टाइम में थोड़ी बहुत तो नींद आ ही जाती है, तो आधा पौना घंटा बोलते ना अच्छी वाली नींद लेते हैं फिर गाड़ी चलाते हैं। पेट्रोल भरा लिया और गाड़ी अपनी यहाँ पे पार्क कर ली है, तो देखो अंदर लोग सो रहे हैं अभी, ये गुरु और हमारे साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं वो सो रहे हैं। मैं भी थोड़ी देर में अभी सो रहा हूँ, बट अभी मैं थोड़ा देखने ही आता कि अलग कुछ दिख रहा है तो देखूँ तो सही क्या सब कुछ है, क्योंकि बोलते ना क्यूरियोसिटी रहती है नई जगह पर आते हो तो कि क्या है ये जगह, क्या लिखा हुआ है नॉल, क्योंकि ये देखो ये ट्रक दिख रहे हैं उस पर कुछ लिखा हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे बहुत सारे टेम्पो है देखो ना, जैसे मूवीज़ दिखते ना अपन कन्नड़ा तमिल या जो भी हिंदी डबिंग वाली, वहाँ पे भी है ट्रक। तो वो लोग से मैं बात कर रहा था पेट्रोल पंप वाले लोग से, बट उन लोगों को भी प्रॉपर हिंदी आती नहीं तो कुछ समझ में नहीं आया,
दिखते। तो अभी तो मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ और सो जाता हूँ। ठीक है, हम लोग मैंगलोर पहुँच गए क्या? नहीं तो अभी पहुँच रहे हैं। अभी पहुँच रहे मैंगलोर। फिलहाल तो अन्नार में। अन्नार अन्नावरम। अच्छा, अभी डेढ़ घंटा। डेढ़ घंटा लगेगा घर पहुँचने को। श्री कृष्ण मारो। लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पे नदी, यहाँ पे समुंदर, मरवंती बीच ना, मरवंती बीच। अभी तो फिलहाल सीधा जा रहे हैं हम लोग उड़पी, बट ये बाद में विजिट करेंगे। यहाँ पे ड्रोन उड़ाने में मजा आएगी। अच्छा ये सैंपल है भाई, नजारा तो कुछ और ही है। नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, सही बोला। एक व्लॉग में सब थोड़ी ना दिखाएगा।